नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके फेवरेट चैनल ब्यूटू सक्सेस पर। और ये तो आप सब लोग जानते होंगे कि दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल के ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई किए जा रहे हैं, जिसके लिए अब तक काफी सारे कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर चुके हैं। और करे भी क्यों ना, क्योंकि वैकेंसी इतनी अच्छी है। तो आज की वीडियो भी स्पेशल उन्हीं लोगों के लिए जो इसके एग्जाम देने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप 1 महीने की ही प्रिपरेशन में इसका एग्जाम क्लियर कर सकते हो। इस वीडियो में आपके साथ कुछ ऐसी स्ट्रेटजी, कुछ ऐसे लॉजिक शेयर करने वाला हूं जो कि आपकी प्रिपरेशन और इसका एग्जाम क्लियर कराने में आपकी 100% हेल्प करने वाली है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है, इंटरेस्टिंग भी रहने वाला है, इसलिए आप वीडियो को पूरे ध्यान से और आखिर तक जरूर देखें। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इंटरेस्टिंग वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो आपको भी पता होगा, मुझे भी पता है कि इसका एग्जाम ऐसे तो क्लियर नहीं होगा, क्योंकि इससे पहले भी आपने काफी सारे गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम दिए होंगे। तो अगर आपको रियली में इस बार ये एग्जाम क्लियर करना है, तो आपको थोड़ा स्ट्रेटजी, लॉजिक और टाइम टेबल के साथ चलना होगा। अब स्ट्रेटजी में आपकी प्रिपरेशन भी आती है कि आपको अपनी किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है, मोस्टली कौन से सब्जेक्ट को ज्यादा प्रायोरिटी देनी है, टॉप स्कोरिंग आपके टॉपिक्स कौन से हैं जिसके ऊपर आपको ज्यादा फोकस करना है, या फिर आपको कौन सी बुक से प्रिपरेशन करनी चाहिए जो आपके लिए ज्यादा बेस्ट रह सके। तो फ्रेंड्स, हम ये सभी जो चीजें हैं, इंपॉर्टेंट चीजें, इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। सबसे पहले जरूरी है कि आप इसके एग्जाम पैटर्न को एनालाइज करो। तो जो इसका एग्जाम पैटर्न है, उसमें आपके टोटल 5 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाने हैं। 100 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, 100 मार्क्स के ही आएंगे। 90 मिनट आपको क्वेश्चन पेपर सोल्व करने के लिए दे जाएगी। नेगेटिव मार्किंग आपके एग्जाम में नहीं है, तो ये आपको एक छोटा सा बेनिफिट यहां मिल जाता है। अगर हम सब्जेक्ट देखें और उनके क्वेश्चंस देखें कि कितने आएंगे, सबसे पहले आपका जनरल अवेयरनेस आएगा, जिससे आपके टोटल 20 क्वेश्चन आने वाले हैं। सेकंड आपका मैथमेटिक्स यानी कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, जिससे भी आपके 20 क्वेश्चन आएंगे 20 मार्क्स के अंदर ही। थर्ड आपका रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस है, जिससे आपके 25 क्वेश्चन आएंगे। थोड़ा नोट करके चलिए, रीजनिंग से 25 क्वेश्चन आएंगे। थर्ड आपका है जनरल इंग्लिश, इससे भी आपके 25 क्वेश्चन आएंगे। फोर्थ है आपका कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट, जिससे आपके केवल 10 क्वेश्चन आने वाले हैं। टोटल 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स आपके आने वाले हैं। तो ये आपका एग्जाम पैटर्न होगा। इसके पीछे भी एक लॉजिक है, मैं आपको एग्जाम पैटर्न क्यों बता रहा हूं, वैसे तो आपको पता ही होगा, इसके पीछे एक लॉजिक है। अब इससे सब कुछ निकल के क्या आता है, आपके टोटल 5 सब्जेक्ट हैं, लेकिन जो दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल एग्जाम की जो रीढ़ की हड्डी है, वो केवल 3 ही सब्जेक्ट हैं। एक आपका जनरल इंग्लिश है, जिससे आपके 25 क्वेश्चन आ रहे हैं। दूसरा आपका यहाँ पर कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट है, जिससे आपके 10 क्वेश्चन आएंगे। थर्ड आपका इसमें जनरल नॉलेज यानी कि आपका जो जनरल अवेयरनेस है, जिससे आपके 20 क्वेश्चन आएंगे। तो ये 3 सब्जेक्ट हैं जिसके ऊपर आपको ज्यादा फोकस करना है। अब रीजनिंग से आपके 25 क्वेश्चन तो आ रहे हैं, आप सोच रहे होंगे सबसे ज्यादा तो रीजनिंग से आ रहे हैं, तो रीजनिंग के ऊपर ज्यादा फोकस क्यों ना करें। मैं गारंटी लेता हूं, जिन लोगों ने इसका फॉर्म अप्लाई किया है, रीजनिंग को वो अच्छे तरीके से जानते होंगे। सब लोग रीजनिंग कर लेंगे, 25 में से 20 क्वेश्चन अब भी आप कर लोगे अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। तो रीजनिंग को बाद में देखेंगे, रीजनिंग सबके लिए कॉमन होती है, आप आसानी से क्लियर कर लोगे रीजनिंग को। बात रही क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से 20 क्वेश्चन आ रहे हैं, इसे भी बाद के लिए छोड़ दीजिए। मुझे पता है 18 to 25 क्वेश्चन आप फिलहाल भी कर लोगे, इतना टफ नहीं आता, बेसिक्स क्वेश्चन आएंगे, बाद में प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन फिलहाल आपको इन 3 सब्जेक्ट के ऊपर फोकस करना है, क्योंकि ये 3 सब्जेक्ट डाउटफुल सब्जेक्ट है। इंग्लिश आपका है, जिसमें फुल कॉन्फिडेंस से आप ये नहीं कह सकते कि मैं 20 या फिर 25 क्वेश्चन वहां पर करके आ जाऊंगा। जनरल अवेयरनेस भी एक ऐसा ही सब्जेक्ट है, जिसमें आप फुल कॉन्फिडेंस से नहीं कह सकते, क्योंकि अगर आपको कुछ आता है जनरल अवेयरनेस में, तभी आप वहां पर क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे। वहां पर आप कोई कैलकुलेशन, लॉजिक लगा के क्वेश्चन सोल्व नहीं कर सकते। ऐसा ही आपका कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट है, जिसके बारे में अभी किसी को नहीं पता कि कैसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट से आपके 10 क्वेश्चन कौन से पूछे जाएंगे, उससे बाद एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा जो क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। तो ये बात आपकी निकल के आती है कि 3 सब्जेक्ट के ऊपर आपको ज्यादा फोकस करना है। अब सबसे पहले बात करते हैं कि इन 3 सब्जेक्ट की आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है, कहां से प्रिपरेशन करनी है, कौन सी बुक आपके लिए ज्यादा बेस्ट रहेगी। वैसे तो मैं आपको ऑलरेडी बेस्ट बुक के ऊपर एक वीडियो दे चुका हूं दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल के एग्जाम के लिए, फिर भी एक बार और रिमाइंड करा दूं, पहले आपका इंग्लिश आता है। इंग्लिश के लिए आपको किस बुक से प्रिपरेशन करनी चाहिए ताकि आपके लिए ज्यादा बेस्ट रहे,
वो है आपके पैरामाउंट का बुक। हमेशा प्रीफर कर दो, पैरामाउंट से अच्छी बुक आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि जो बिगनर कैंडिडेट है उनका बेसिक लेवल एकदम क्लियर करा देगी, और जो एडवांस लेवल के कैंडिडेट हैं जो पहले एग्जाम दे चुके हैं लेकिन इंग्लिश फिर भी इतनी अच्छी नहीं आ रही है, उनके सभी डाउट क्लियर करा देगी। आपके लिए बहुत ही बेस्ट बुक रहने वाली है। आगे मैं आपको बताऊंगा कि टॉप स्कोरिंग टॉपिक्स कौन से हैं, आपको ज्यादातर किस टॉपिक के ऊपर फोकस करना है वो मैं आपको आगे बताऊंगा, और कितने मार्क्स का कौन सा टॉपिक आएगा वो भी मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। इंग्लिश के लिए प्रिपरेशन आप इस बुक से कर सकते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप परचेज कर सकते हैं ऑनलाइन भी। तो बेस्ट बुक आपके लिए रहेगी अगर आप इंग्लिश के लिए प्रिपरेशन करते हो। सेकंड मैंने आपको बताया जनरल अवेयरनेस, जिससे आपके टोटल 20 क्वेश्चन आएंगे। तो जनरल अवेयरनेस के लिए सबसे बेस्ट बुक आपके लिए ल्यूसेंट रहेगी, क्योंकि इससे अच्छा बुक तो मार्केट के अंदर अवेलेबल है भी नहीं। सबसे टॉप बुक के अंदर आती है, जितने भी यूपीएससी या फिर आपके एसएससी लेवल के जो एस्पिरेंट हैं वो ल्यूसेंट के बुक को ही अपनी प्रायोरिटी देते हैं, क्योंकि सबसे बेस्ट बुक होती है। और साथ ही तीसरा सब्जेक्ट हमारा कौन सा था, कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट। ल्यूसेंट का बुक अगर आप परचेज कर लेते हो तो इसी के लास्ट में कंप्यूटर का सेक्शन दिया हुआ है, जितने भी क्वेश्चन आपके कंप्यूटर से बन सकते हैं या फिर जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है कंप्यूटर से रिलेटेड, सभी इसमें दिया हुआ है। आप अच्छे से कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट की भी प्रैक्टिस कर सकते हो इस बुक से। तो ये आपकी मैंने आपको दो बुक बताई जो कि आपके तीनों सब्जेक्ट को कवर कर लेती हैं। तो आपका प्रिपरेशन का मैटर खत्म, हमें केवल एक मंथ के अंदर आपका एग्जाम क्लियर कराना है, एक मंथ, ये आप ध्यान में रख लीजिए। तो ये बुक आप परचेज कर सकते हैं इन तीन सब्जेक्ट के लिए, बाकी आपका क्वांटिटी एप्टीट्यूड है, कोई भी आप उसके लिए बुक प्रीफर कर सकते हैं। आप उनके लिए आरएस अग्रवाल बेस्ट है, आपके लिए किरण पब्लिकेशन बेस्ट है, आपके जो क्वांटिटी एप्टीट्यूड है, और जो बाकी आपका तीसरा रीजनिंग के लिए, तो आप कोई भी बुक पढ़ सकते हैं, लेकिन रीजनिंग के लिए सबसे बेस्ट बुक आपकी अरिहंत की मानी जाती है। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से परचेज कर सकते हैं अगर आपने हमारी पिछली वीडियो मिस कर दी थी। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले इंग्लिश सब्जेक्ट को ही ले लेते हैं। पहले बात करें कि आपके एग्जाम में टॉप स्कोरिंग टॉपिक्स क्या रहने वाले हैं इंग्लिश से, सबसे ज्यादा मार्किंग के अंदर कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद हम इंग्लिश का टाइम टेबल के बारे में देखेंगे कि एक महीने तक आपको इंग्लिश से कैसे प्रिपरेशन करनी है। तो चलिए पहले टॉप स्कोरिंग टॉपिक्स के बारे में देख लेते हैं। तो जो इंग्लिश में मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स आपके होते हैं वो है आपका वोकैबुलरी, जिसमें से आपका वर्ड सब्स्टिट्यूशन आने वाले हैं, दो क्वेश्चंस आपके इससे 100% आएंगे। दूसरा आपका सिनोनियम है, इससे भी आपके दो क्वेश्चन आएंगे। अंटोनियम्स है, उससे भी आपके दो क्वेश्चन आएंगे। इडियम एंड फ्रेज है, उससे भी आपके दो क्वेश्चन 100% पूछे जाएंगे इंग्लिश के अंदर। फोर्थ आपका स्पेलिंग मिस्टेक या फिर स्पेलिंग चेक्स जिसे बोलते हैं, दो क्वेश्चन आपके उससे भी आएंगे। आगे मैं आपको बताऊंगा कि आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है, कहाँ से तैयार करनी है, वो मैं आपको सब आगे बताऊंगा। फिर आता है आपका प्रीपोजिशन, एक चैप्टर होता है जिसमें आपका ये ऑफ, विद, फॉर ये होते हैं, ये आपका प्रीपोजिशन है, इससे भी आपके दो क्वेश्चन 100% आएंगे, चाहे वो फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्मेट हो या फिर कोई और फॉर्मेट, क्लोज टेस्ट वगैरह के फॉर्मेट में आ सकते हैं। आपका नेक्स्ट है एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, दो क्वेश्चन 100% आएंगे, बिल्कुल गारंटी के साथ कह सकता हूं कि एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस से दो क्वेश्चन आपके आएंगे। नेक्स्ट आपका आर्टिकल, जितने भी हमारे द, ए, एन है, ये आपके आर्टिकल होते हैं, दो क्वेश्चन इससे आएंगे, चाहे वो क्लोज टेस्ट के फॉर्मेट में हो या फिर फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्मेट में हो, क्वेश्चन आपके दो बनेंगे ही बनेंगे। नेक्स्ट है हमारा स्पीच नरेशन, उससे भी आपके दो क्वेश्चन आने वाले हैं, और बाकी जो बचा आपका एरर आ सकता है, क्लोज टेस्ट आपका है, कंपैरिजन, ये बाकी की मार्किंग में आएंगे, क्योंकि इंग्लिश 25 मार्क्स की आने वाली है। तो चलिए फोकस करते हैं वोकैबुलरी के ऊपर। तो जो आपके वोकैबुलरी है वो आपके जो मोस्ट इंपोर्टेंट वोकैब है वो आपकी 300 है। अब जो मैंने आपको बुक प्रीफर करी इससे पहले वो आपको पैरामाउंट का की, तो सबसे पहले आपको वर्ड सब्स्टिट्यूशन के ऊपर फोकस करना है। अब वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपके लगभग आपके 200 या 300 ही ऐसे हैं जिनमें से केवल आपके 20 मोस्ट कॉमन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वर्ड्स होते हैं, जो कि आपके एग्जाम्स में रिपीट होते रहते हैं। अब ये इसके अंदर दिए हुए हैं, वैसे अगर आप गूगल करोगे, कहीं पर भी करोगे, आपको लगभग 300 मिनिमम वर्ड सब्स्टिट्यूशन मिलेंगे जिन्हें आप प्रिपेयर आपको करना है, जिसमें से आपको दो क्वेश्चन आपको 100% मिलेंगे। और सबसे बेनिफिट ये है, अगर आप वर्ड सब्स्टिट्यूशन वो 300 वर्ड सब्स्टिट्यूशन लर्न कर लेते हो तो आपका एंटोनियम और सिनोनियम आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपका वर्ड सब्स्टिट्यूशन ही क्लियर करा देगा, क्योंकि ये भी एक वर्ड मीनिंग ही है। आपको एक वर्ड दिया जाता है जिसका एक कंप्लीट एक्सप्लेनेशन देता है, यानी कि काफी सारे वर्ड का एक वर्ड ये होता है। तो अब आपको प्रिपेयर करने हैं, आपको डेली 10 वर्ड सब्स्टिट्यूशन प्रिपेयर
प्रिपेयर आपको करने हैं, केवल 10, बहुत कम है। जब भी आप इंग्लिश की प्रिपरेशन करने बैठो तो सबसे पहले आपको वोकैबुलरी के ऊपर फोकस करना है, वर्ड सब्स्टिट्यूशन लर्न करिए, केवल 10 वर्ड सब्स्टिट्यूशन लर्न करिए, कोई ज्यादा नहीं। फिर आप 10 एंटोनियम्स करिए और फिर आप 10 सिनोनियम करिए। ये केवल 3 चीज आपको करनी है सबसे पहले, और साथ ही आपको इडियम फेज करनी है। 5 इडियम फेज आप कहीं से भी करिए। इस बुक के अंदर आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी मोस्ट इंपोर्टेंट इडियम फेज की, या फिर किसी भी बुक से। मैं ज्यादा इस बुक की प्रिफर नहीं कर रहा हूं, कोई भी बुक हो या फिर आप गूगल कर लीजिए। आपको केवल 5 इडियम फेज करनी है। तो पहला काम आपका ये हो गया। अब बाद की बात है, जब भी आप इंग्लिश पढ़ने बैठो तो पहले आपको वोकैब के ऊपर फोकस करना है। ज्यादा से ज्यादा आपको 20 मिनट लगेगी ये काम करने के लिए, वोकैब को लर्न करने के लिए। समझिए, लर्न मत करिए, रटिए मत, समझिए कि उसके पीछे का मतलब क्या कह रहा है, वर्ड का असली मीनिंग क्या है। गूगल करके देखिए, कुछ भी करिए लेकिन समझिए। तो ये आपकी वोकैब होगी। अब उसके बाद आप चैप्टर को उठाइए। अब जैसे कि आप पढ़ रहे हो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस पढ़ना है, तो इसमें आपके केवल 2 दिन मुश्किल से लगेगी, आपका एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस 100% क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल आप अच्छे से क्लियर कर लोगे, मोस्टली 2 दिन आपके लग सकते हैं। तो आप एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस बाद में पढ़िए, पहले वोकैब करिए। उसके 2 दिन तक आपने ऐसे ही किया 10, फिर नेक्स्ट 10 वोकैब पढ़िए आपने, और अपना जो बचा था दूसरा चैप्टर, बड़े वाला चैप्टर एक्टिव वॉइस या पैसिव वॉइस, उसे लर्न किया। जब आपका ये कंप्लीट हो जाए तो उसके तीसरे दिन आप दूसरा चैप्टर उठा लीजिए। जैसे कि आप प्रीपोजिशन पढ़ रहे हो तो प्रीपोजिशन पढ़िए, उससे भी मुश्किल से आपके 2 दिन में क्लियर हो जाएगा। लेकिन इंग्लिश में सबसे पहले आप वोकैब को ही अपनी प्रायोरिटी दोगे, पहले वोकैब करिए, उसके बाद कोई नेक्स्ट चैप्टर देखिए, चाहे वो नरेशन को हो या फिर स्पीसीज हो या फिर आपका आर्टिकल हो, पहले वोकैब उसके बाद का। केवल आपको 1.5 घंटा देना है इंग्लिश को, 1 या 1.5 घंटे में आपका बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। इस सिनेरियो से, इस टाइम टेबल से आप पूरा 1 महीने तक करिए, आपके सभी चैप्टर और जो आपकी 300 वोकैबुलरी है वो आपकी बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, यानी कि आपसे कोई डाउट नहीं बचेगा। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, आपके साथ शेयर कर रहा हूं। जैसे मुझे लगा, जो मैंने एक्सपीरियंस किया जब मैं प्रिपरेशन करता था, तो वो आपके साथ शेयर कर रहा हूं ताकि आपका थोड़ा बहुत बेनिफिट हो सके। तो ये आपका इंग्लिश का डाउट 1 महीने के अंदर क्लियर हो जाएगा। अब आपने 1 घंटा डेली इंग्लिश को दिया, साथ ही साथ अपना आप जो मैंने आपको सेकंड सब्जेक्ट बताया, जनरल अवेयरनेस और आपका कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट, पहले कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट को लेते हैं, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि 10 क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर आपके 10 क्वेश्चन बिल्कुल सही हो जाते हैं तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। अब जो ये है कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट, 10 क्वेश्चन के क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनिए। अब इसमें आपके कौन से टॉप स्कोरिंग टॉपिक है, वो है आपका फुल फॉर्म। आपने सुना होगा, आपने 9th तक तो कंप्यूटर पढ़ा ही होगा, उसमें आपकी फुल फॉर्म्स होती थी कंप्यूटर से रिलेटेड। जैसे कि WWW की फुल फॉर्म क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब। ये फुल फॉर्म आपकी 1 या 2 क्वेश्चन 100% बनेंगे, चाहे आपकी LAN हो सकती है, लोकल एरिया नेटवर्किंग, WAN हो सकती है, वाइड एरिया नेटवर्किंग, या फिर आपका IC इंटीग्रेटेड सर्किट, RAM RAM हो सकती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, जितनी भी आपकी मोस्ट इंपोर्टेंट फुल फॉर्म है, बहुत सारी फुल फॉर्म है, मुझे पता है लगभग 30 से 40 के आसपास होंगी, आपको वो सभी लर्न कर लेनी है। बहुत ही इजी है, बहुत ही कॉमन है, 1 या 2 क्वेश्चन 100% बनेगा फुल फॉर्म में से, बेसिक तक ही रहेगा। इसके नोटिफिकेशन में अच्छे से दिया हुआ है कि जो कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट से क्वेश्चन आएंगे वो सभी बेसिक लेवल रहेंगे, इंग्लिश और कंप्यूटर केवल बेसिक नॉलेज तक ही रहेगा। तो आपको सभी फुल फॉर्म लर्न कर लेनी है, पहला मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, 1 या 2 क्वेश्चन 100% बनेंगे। सेकंड आपका शॉर्टकट कीज, कीबोर्ड के ऊपर काफी सारे शॉर्टकट होते हैं, जैसे कि हमें कोई प्रोजेक्ट या फिर फाइल सेव करनी है तो कैसे करेंगे, कंट्रोल प्लस एस करेंगे तो सेव हो जाएगा, अगर कोई हमें अंडू करना है कंट्रोल प्लस जेड अंडू हो जाता है, कंट्रोल प्लस वाई रीडू हो जाता है हमारा, कंट्रोल प्लस एक्स कट होता है, कंट्रोल प्लस सी कॉपी होता है, कंट्रोल प्लस पी प्रिंट होता है। तो ये कुछ आपकी शॉर्ट कीज है, जिनमें से 1 क्वेश्चन आ सकता है 100% शॉर्ट कीज का। तो आपको ये मोस्ट इंपोर्टेंट जो शॉर्ट कीज है वो एक बार लर्न कर लेनी है, बड़ी इजी है। थर्ड आपका मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है आपका आउटपुट इनपुट, वैसे तो बहुत ही बेसिक है लेकिन फिर भी चांसेस है, पूछ लिया जाता है कि कौन सा डिवाइस आउटपुट है, कीबोर्ड आउटपुट है या फिर इनपुट CPU आउटपुट है, इनपुट इनपुट माउस आउटपुट या फिर इनपुट है, या आपका प्रिंटर स्कैनर, ये चीजें हैं, एक क्वेश्चन बन सकता है, चांसेस हैं आपके 90%।
फोर्थ इंपोर्टेंट टॉपिक है, टॉपिक तो नहीं कुछ क्वेश्चंस है, इस बेसिस पे आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे कि पूछ लिया जाता है कि 1 MB के अंदर कितने किलो बाइट्स होते हैं, आपको पता होगा 1024 किलो बाइट्स होते हैं, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, एक क्वेश्चन तो पक्का बनना है आपका। ये भी हो सकता है कि 1 MB में कितने KBs है, ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, या फिर हमारी जो फ्लॉपी डिस्क होती थी जो पहले इस्तेमाल होती थी उसकी मेमोरीज क्या होती थी, 1.44 उसकी मेमोरी होती, MB मेमोरी होती थी, ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। पूछ लिया जाएगा कि W जो है इसके आविष्कारक कौन थे, टिम बर्नर्स ली थे या फिर ईमेल के आविष्कारक कौन थे, ये आपके क्वेश्चन बनेंगे। साथ ही एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, 1 byte के अंदर कितने बिट्स होते हैं, 8 bits होते हैं, 8 bits होते हैं, एक क्वेश्चन है आपका, एक निबल कितने बिट्स के बराबर होता है, 4 bits के बराबर होता है, और पहला जो कंप्यूटर लैंग्वेज थी वो कौन सी थी। तो इस प्रकार के कुछ क्वेश्चंस हैं, जो क्वेश्चंस मैंने आपको बताए इनसे रिलेट करते हुए क्वेश्चन, ये क्वेश्चन और इनसे रिलेट करते हुए क्वेश्चन जितने भी बन सकते हैं सभी को लर्न कर लीजिए, आपके 10 marks जो हैं कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट से वो कहीं पर भी नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे, इन्हीं में से आपके क्वेश्चन बनेंगे। बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है मुझे कंप्यूटर टेस्ट का, तो वही मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो अगर आप इस तरीके से चलते हो तो आप 10 marks 100% ले लोगे कंप्यूटर नॉलेज वाले सेक्शन से। तो फ्रेंड्स ये था कंप्यूटर का, ल्यूशेंट के लास्ट में दिया हुआ है कंप्यूटर के बारे में, आपके सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे, वहां से पढ़िए। नेक्स्ट है आपका GS जनरल स्टडीज या फिर आपका जनरल अवेयरनेस, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपके 20 questions आने वाले हैं। तो चलिए मैं आपको बता दूं कि क्या होगा। वैसे मैं सोच रहा हूं कि एक वीडियो बनाऊं जनरल अवेयरनेस के ऊपर कि कैसे आप जनरल अवेयरनेस की प्रिपरेशन कर सकते हैं, क्या इसका प्रोसेस होता है या फिर क्या स्ट्रेटजी होती है, क्योंकि मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरा जो जनरल अवेयरनेस सेक्शन है वो काफी अच्छा है। तो चलिए बात करते हैं इस एग्जाम के लिए, फिर मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता दूं। तो सबसे पहले आपके इसमें करंट अफेयर आएगा जिससे आपके टोटल 3 से 4 questions 100% आने ही आने हैं। नेक्स्ट आपका हिस्ट्री सेक्शन आएगा, इससे आपके 4 questions 100% आएंगे। थर्ड है आपका ज्योग्राफी, ज्योग्राफी इसमें मोस्टली फोकस किया जाता है जिससे आपके 5 से 6 questions 100% बनेंगे। नेक्स्ट आपका पॉलिटी यानी कि भारतीय संविधान जो होता है उससे आपके लगभग 3 questions बनेंगे, कम फोकस किया जाता है पॉलिटी। नेक्स्ट है आपका जनरल साइंस जिसमें आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होगा, उससे आपके 3 से 4 questions बनेंगे। तो ये आपके इसमें से क्वेश्चन बनेंगे, इससे बाहर नहीं जाएगा, यानी कि जो वर्ल्ड की होती है उससे बाहर नहीं जाएगा। और जो काफी लोग का डाउट आ रहा था कि क्या दिल्ली का जो ज्योग्राफी या फिर हिस्ट्री है उसके बारे में क्वेश्चन आएंगे, तो उसके बारे में क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे इसके एग्जाम में, तो बेफिक्र रहिए, क्योंकि सेंट्रल की वैकेंसी है, दिल्ली एक यूनियन टेरिटोरी है, तो ऑल इंडिया से कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं होगा। प्रीवियस ईयर का मैंने 2013 का चेक किया है, तो ऐसे कोई ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे थे, 1 या 2 questions मुश्किल से पूछा था। तो फ्रेंड्स ये था जो मैंने आपको स्ट्रेटजी बताई, उसके अकॉर्डिंग तो मेरी एक्सपीरियंस तो यही कह रहा है कि आपको मोस्टली 3 subjects के ऊपर ज्यादा फोकस करना है, इंग्लिश के ऊपर ज्यादा फोकस करिए, जनरल अवेयरनेस के ऊपर ज्यादा फोकस करिए, कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट के ऊपर ज्यादा फोकस करिए, क्योंकि ये मार्क जो आपके टोटल 55 marks हो गए ये ज्यादा आपके डाउटफुल है, इसलिए सबसे ज्यादा फोकस इनके ऊपर करिए। बाद में जो आपका बाकी टाइम बचता है कम टाइम दीजिए, इन तीनों सब्जेक्ट को आप 80% टाइम दीजिए, और जो 20% टाइम है वो आप अपने मैथमेटिक्स यानी कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग के ऊपर दीजिए, आप 100% अपना एग्जाम क्लियर कर लोगे। तो फ्रेंड्स ये एक छोटा सा वीडियो था, छोटा सा तो नहीं काफी लेंथी हो गया, जिसमें मैंने आपको कुछ स्ट्रेटजी बताने की कोशिश किया है। अगर आप इस तरीके से चलते हो तो आप अपने एग्जाम को क्लियर करने की आपकी जो प्रोबेबिलिटी है वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में तो इतना ही था, अगर आपका अब भी कोई डाउट रह गया हो इस एग्जाम से तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपकी कमेंट का आंसर करने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।